बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे इतनी दूर पढ़ने के लिए आते हैं, 9-10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए आते हैं। शाम के समय जब छुट्टी होती है स्कूल से, तो बसेस जो है वो प्राइवेट बस हो चाहे सरकारी बस हो, वो बड़ी खचाखच भरी हुई होती है, जिससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है और बच्चे जो है समय से घर नहीं पहुंच रहे, जबकि उनको पैदल भी 6-7 किलोमीटर पैदल भी जाना पड़ता गांव के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने आज ये प्रतिनिधि मंडल हमारा यहाँ पर डायरेक्टर से मिला है, तो इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी मांग पर जरूर गौर करेंगे और ये काम हो जाएगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो 6-7 पंचायतें हमारी, चौसा है, बाकना घाट है, बाकी और जो 5-6 पंचायतें और है, यहाँ के जो बच्चों को अच्छी शिक्षा मतलब मिले और शिक्षा के साथ साथ जो ये आपका जो परिवहन की जो व्यवस्था है वो हमारी जो परिवहन जो विभाग है हम और हमारी जो सरकार है वो इसको करे, और अगर नहीं होगा तो हम लोग आने वाले समय में इन अभिभावकों को लामबंद करके यहाँ पर एक बार फिर से आएंगे और जो भी हम लोग निर्णय लेंगे वो फिर परिवहन विभाग को उससे निपटना पड़ेगा। तो हमारी ये की मांग थी कि आप लोग शिमला से जो है चाहे बाकना घाट चाहे सोलन कहीं भी हो बस लगाए, लेकिन वो स्कूल के बच्चों के लिए, चौसा के लिए बस लगाए, लेकिन स्कूल के बच्चों के लिए वो बस होनी चाहिए। और इन लोगों ने अपने पास वो सब कुछ बना हुआ है, सिर्फ ये है कि बस की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो ये बस हम लोगों ये डिमांड कर रहे हैं कि ये बस होनी चाहिए। सर ने क्या आश्वासन दिया कब? बिल्कुल इन्होंने यही आश्वासन दिया हम लोगों को कि ये हो जाएगी, आपकी मांग पूरी हो जाएगी। और जब भी इन्होंने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिए हैं कि इन नंबर्स पर हम लोग आपको संपर्क करेंगे, हमने कहा कि अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम लोग फिर से लामबंद होकर के छात्र और अभिभावक इकट्ठे होकर के इस मांग को हम लोग फिर से उठाएंगे। थैंक यू।